आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं फहीम अहमद। हमारे कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे यूथ ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है, क्योंकि महंगाई के दौर में एक ऐसा रस्म रिवाज कश्मीर में चल रहा है जिसे गरीब तबका जो है अफेक्ट हो रहा है। मेरे साथ जो भाई है उमर वानी साहब है मेरे साथ, और इनका एक अच्छा इनिशिएटिव कश्मीर में पिछले कई सालों से चल रहा है, ये मास मैरिज जो है अंजाम देते हैं, जिसमें हमारी बहनों के लिए जो है अपना घर चलाने के लिए चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मज़ीद इनसे बातचीत करेंगे। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि आज जो यहाँ पे मैरिज सेरेमनी हो रही है, कितने इसमें युवा हैं, कितने लड़के लड़कियाँ हैं जिनकी आज मैरिज हो रही है? हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, कि आप इसलिए आए हैं कि आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज आए पूरे कश्मीर में, आपकी नीयत भी अल्लाह कबूल करे। देखिए क्या होता है कि हम जो मैस मैरिज करें, आज 10वीं मैस मैरिज है हमारी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा मैस मैरिज हम ही करने वाले हैं। इतनी मैस मैरिज किसी ने नहीं की, अल्लाह का करना होता है, इंसान कोई नहीं होता। मैं अपने आप पे कमेंट नहीं कर सकता या अपनी फाउंडेशन पे कि उछकोम था, वो इंसान में कभी तकबर आना भी नहीं चाहिए। ये जो मैस मैरिज का कंसेप्ट है मेरे पास ऐसे है, जब देखिए सर्वे रिपोर्ट हुआ कि ये तो जनाबली 50,000 बनी गम ओवर एज 2,50,000 बोए, मगर अत पे ग्राउंडस पे कारण क्या, ग्राउंड पे कुछ करना था ना। मैं खाली कमिटमेंट लिखता कि इतस गए 2,50,000 बोए, इतस गए 2,50,000 बोए, यहाँ पर बेहाई आम हो रही है, यहाँ पर वो हो रहा है, ये हो रहा है। जब हम ग्राउंड पे कुछ करेंगे नहीं, ग्राउंड पे कुछ बोलेंगे नहीं, करेंगे मतलब तो ग्राउंडस पे आयो तो आयो तेलिए होते बाइट में, या अगर तुम गाड़ी पट ही करो तो फिर मैं दिवस उम्र सब लाइव उसमें वो मज़ा नहीं आता। तुम दिवस में पुन वीडियो तुम करो पुन इंटरव्यू में सेंड, तुम वन मोबाइल थो ब्रो कहें पत वन क्या, मगर वो मज़ा नहीं आता। ग्राउंड पे कुछ करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो हम ग्राउंड पे निकले, हम ग्राउंड पे हमने सोचा कि ये रेशो को कम करेंगे, इस 50,000 बेंच है इसको कम करेंगे, इस रेशो को जीरो पे लाना है, जो 1,50,000 हमारे भाई है इसको जीरो पे लेके आना है। और जो बिदत है, ये जो भी मैस मैरिज जो करने पे मजबूर हो गई, इस वजह से हो गई क्योंकि यहाँ पर भी रस्म व रिवाज बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि खुदा रहा ये जो आप बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं, करोड़ों रुपये खर्चे करो, इसको थोड़ा सा कम करो। बहुत सारी लड़कियाँ जो है मुतासर हो रहे हैं, बहुत गरीब बाप वो पिस रहे हैं बेचारे, बोल तुम चिल्ड्रन ब्रकूस गसान ये तुम बोजान ना हम सोबन सा करो हम हे सोबन सा तम सा कर 5,50,000 खानदर पे पोर हिंद खानस पे खर्च, तुम अंदर कि अर्जुन सोर गल्ला जाना अशी कि तुम कस हालत अच्छा ठीक। मेरे पास मैं आपको बताऊँ कि कुछ दिन पहले वो इसी शादी इसी मैच मैरिज में वो केस भी है, वो बोल रही थी कि मेरी बेटी दो बेटियों की शादी है, तो दोपहर मैं कुछ मेरे पास एक सूट का ताक एक सूट मतलब आख सूट हकने पर अफोर्ड कर किया, दोपहर मैंने तहजुद पढ़ा, मैंने रोया बहुत रोया, मैंने जो सुबह उठी तो मैंने आपका वीडियो देखा, अब पर नंबर दी मैं आई मैं कुछ आप कॉन्टेक्ट मुद्दे वोलि वजी वश कर हम यहाँ पर इस्तेमाल का खानी करते हैं आ जाइए, तो तिथि तिथि तुम शर्टस मज़ बसान। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते अख सूट मामूली सूट वे 2,000-3,000 कहाँ से गरीब अफोर्ड करेगा, जो दिन में 100-150 रुपये कमाता है, पता तुम तरह चोर कुर कहाँ से वो अफोर्ड करेगा। यहाँ मैं यतीम बेन अड़े अत टूवी तुम नोलू नोजी तुम पितरस नश कह मामस नश, ऐसे ऐसे बच्चियाँ हैं उन पर असर पड़ रहा है। प्लीज़ मेहरबानी करके आप बड़े बड़ी शादियाँ ना करें, निकाह करें सिंपल, वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इनका यही इनिशिएटिव है कि निकाह को जो है सिंपल किया जाए, चाहे वो किसी भी तबके से हो। सर यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई नॉन मुस्लिम बहन है, नॉन मुस्लिम भाई है, वो आपके थ्रू अगर आपकी जो एनजीओ है, आप जो आपने जो इनिशिएटिव उठाया है, तो वो आपसे कैसे जुड़ेंगे? देखिए हमारे अगर आप हमारा नंबर भी फ्लैश करेंगे, बट ये मैं बताऊँ हम रिश्ता नहीं करते हैं, इम छसा पाने जोर मतलब मैं रिश्ते गुमत अस तिम तिम कोर वुछान इमन 5 वरी 6 वरी 7 वरी सा गुमत गणमत इस, मगर तिम छस अफोर्ड हुकमत करत किन। या हमारे पास ऐसे कपल ज्यादातर आते हैं कि तिमन उस मूल थमु थोड़ा थोड़ा सामान, अल्लाह ताला बचिन मूलिस रा सीए किडनी प्रॉब्लम्स गई, तिमन रूद खानदर तथि सोन वोन सुति कुनुक सु लोगुक मूलिस पट या माज पट या बेमारदारी गई घरस मन सु मकलो सोरे, तो वो आ सकते हैं उनको हेल्प हम करेंगे। इस वाले मैच मैरिज में हमारी एक बाहर से आ रही थी, अमृतसर से एक कपल थे, उनको वो अपने तरीके से करते जैसे उनको करना था, बट हेल्प उनको यहाँ से लेनी थी। ये अल्लाह का करम है कि बाहर भी हमें देखा जा रहा है और हमें काम को सब, मगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हुई है, वो टाइम पर नहीं पहुँच पाए, मगर उनको आना था अमृतसर से, उनको आना था ये मैच मैरिज अटेंड करने के लिए। उन्होंने भी देखा, वो भी एक यतीम हमारी बहन थी, तो नॉन मुस्लिम है वो, तो इससे पहले भी हमने एक नॉन मुस्लिम का किया हुआ है, तो ये शो अल्लाह तआला का करम कि यम तमाम मुतासिर ना वहाँ पर मतलब हेल्प हो रही है। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप किट यहाँ पे कपल्स को प्रोवाइड करते हैं, तो क्या क्या कुछ उनको मिलता है? उनको सारा सामान होता है, गोल्ड नहीं होता है,
कॉपर की कोई त्राम छना सा क्या, बाकी हर एक सामान सूट से लेके चप्पल से लेके टॉवल सेट से लेके मेकअप किट से लेके मतलब एवरीथिंग आप खुद देखिए ऊपर अगर आपको जाएंगे तो वो देख लीजिए आप सारा दो दो मतलब ब्लैंकेट से लेके कुरान कुरान पाकुक रिहल हर कांच चीज़ मुझे नहीं लगता कोई चीज़ मिसिंग है, वो आप खुद देखेंगे ऊपर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए थे उमर वानी साहब जिनका ये NGO है और ये मैस मैरिज भी कराते हैं। हम ग्रूम से भी बात करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स फहीम अहमद श्रीनगर। وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا تجوز العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله بنصف الباقي. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عاتم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي مسلمان پہ رہا اللہ عمر سنی عمر مسلمان پریشانی کر